और सहायक नहीं है। यहाँ पे कौन सी ऐसी खामी है जो ये चालान करना पड़ेगा? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जिससे मिठाई काउंट कर दी जाती है, वो पर जो मोहर समय से लगी रहनी चाहिए तो समय से नहीं लगी थी। उसकी वैधता थी 30/9/2020 तक पाई गई, विलम्ब मोहर पाई गई, इसलिए इस दुकान का चालान करना पड़ा। दरअसल सर, ये यहाँ डिब्बे का जो मिठाई जो निश्चित तोड़ा जाता है ग्राहकों को, ये डिब्बे लोग बता रहे हैं 50 से 100 लाख का टॉल में खटौली हो जाती है, तो इसके संबंध में आपको क्या कहना है? मैं यहाँ पर इस तरह की समस्या नहीं पाई। यहाँ पर मिठाई जो खरीद रहे थे लोग, मैंने उनसे भी बात किया और खुद भी मैंने 1 किलो तौलवा कर देखा तो भी तौल सही था। विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 12/30 के तहत और इसके साथ दूसरे सहित मिठाई तौलने का और इस दुकानदार ने 12 विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 12/30 का उल्लंघन किया, इसलिए इसका चालान किया। देखिए इसमें क्या खामी आपका है, कैसे जो है इसको दस ये घटौली क्या है? पहले हमने इनसे 1 किलो मिठाई मांगी तो इन्होंने 1 किलो 80 ग्राम तौला, फिर हमने कहा कि आप डिब्बे को तौलिए तो डिब्बा का वजन किया गया तो 118 ग्राम पाया गया जो कि 38 ग्राम मिठाई कम पाई। 38 ग्राम मिठाई कम पाए जाने का मतलब कि 38 ग्राम की घटौती और हमारे विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 12/30 का उल्लंघन किया। ऐसी खाली थी जो मिली है और उसके तहत जो है मतलब आपने क्या है? हम यहाँ आए 1 किलो मिठाई तौलवाए, मिठाई तौली गई 1 किलो 29 ग्राम जी, वो भी डिब्बे सहित जी, जबकि डिब्बे सहित मिठाई तौलने का नियम नहीं जी। और जब खाली डिब्बा तौला गया जी तो 95 ग्राम तक आया गया, इस प्रकार 66 ग्राम की घटौली पाई जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के सेक्शन 12/30 का उल्लंघन वायलेशन करता है। तो क्या ये कंटिन्यू आप चलाएंगे अभियान या इसको आज के बाद में समापन करेंगे? हम लोग कंटिन्यू अभियान चलाते रहते हैं। आप कितने जगह आपने उसकी आई है कार्रवाई? आप कितनी जगह कार्रवाई की? आज 3 जगह कार्रवाई हमने की है। तो क्या खामियाँ पाई गई? यही खामी पाई गई थी। एक जगह बिना मुहर पाया गया, विलम्ब मुहर थी, 2 जगह घट सकती।